देखो भाइयों, मैं आज आपके सामने ना इसका रिव्यू लेके आया हूँ। ये भी ऐसा डैश कैम यूज कर सकते हो। इसके साथ जो हेड आता आएगा वो मैंने चेंज कर दिया, मैंने दूसरा लगवाया है। या हेड यार बहुत बुरा था तो मैंने दूसरा मंगवाया, वो भी महंगा था थोड़ा सा, लेकिन आप इस हेड से भी काम चला सकते हो। आप इस गैजेट को भी एज अ डैश कैम यूज कर सकते हो। देखो, इसकी मैं पूरी रिव्यू लेके आया हूँ आपके सामने, तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि आजकल के ज़माने में डैश कैम बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वीडियो जरूर देख लेना भाई पूरी, क्योंकि इसको, इस वाले गैजेट को एज अ डैश कैम कैसे यूज़ करना है। तो भाई ये देखो, इस तरीके से हमें निकलता है। इसे हम ना एज अ सेल्फी, अपना सेल्फी स्टिक भी वर्क कर सकते हैं, काम ले सकते हैं इसको, और कहीं भी हम लोग वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं यूज़। तो ये भाई इस तरीके से आएगा। देखो, ये हमने बटन दबाया, ये हमने बटन दबा के और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये हेड दूसरा है जो मैंने बताया था आपको, ये बहंगा वाला हेड लगाया मैंने। इसके साथ जो हेड आता है वो स्प्रिंग वाला आता आएगा, वो भी वर्किंग करता आएगा। तो इस तरीके से भाई ये हम लोग खोल लेंगे इसको यहाँ से। तो ये खुल जाता है यहाँ से, तो ये खोल के ये इसमें, ये किसी भी इसमें लग जाता है इस तरीके से। इसमें ये आता है जो दिख रहा है आपको, ये इसमें इस तरीके से लगता है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैंने ना शायद मैंने ज़्यादा कस दिया इसलिए खुल नहीं रहा है। फिलहाल आपको समझ गए कि आप किस तरीके से खोलना है इसको, ये यूँ खुल जाता है। तो और इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं और इस बटन के थ्रू मदद से हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो अब इसे कैसे यूज़ करना आएगा एज अ डैश कैम, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। ये हम लोगों को बस ये करना क्या है, मात्र इसकी टांगे पकड़ के हमें इस तरीके से बस यहाँ पर ये बार थोड़ा सा नुकसान हो गया हमारा, इसे हम लगा देते हैं भाई। ये लग गया और ये हमारा इस तरीके से ये लग गया। और ये बस हमें करना कुछ नहीं है, बस ये हमारा आपको पता है फिक्सिंग करनी है यार, ये बस ऐसी हो जाती है, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइट कस रखा है। तो आप इस तरीके से ये लग गया। अब हमारा मोबाइल इसको यहाँ पर हैंग कर देंगे इस तरीके से। वो स्प्रिंग वाला होगा तो स्प्रिंग वाले में आप, वो स्प्रिंग वाला होगा तो स्प्रिंग वाले में देख लेना। और इस तरीके से आप अपना डैश कैम, ऐसा डैश कैम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी रोड ट्रिप बना सकते हैं। देखो, इस वाले जो, इस वाले की बात है ना, इस वाले डैश कैम की जो इसके अलग गैजेट किया, वो सिर्फ एक ही दिक्कत है भाई, आपका IRVM ने पूरा कवर कर रहा है। तो भाई अगर ये आपके पास पड़ा है ना, तो आप इसको यूज़ करिए। अदरवाइज़ आपको इसको मॉल मंगाते हो, मतलब ऑनलाइन नया परचेस मत करना उसको, आप फिर वही यूज़ करो जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी IRVM के, एक वो आता है मोबाइल होल्डर, उसको एज अ डैश कैम कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो जाके देख लेना, वो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर ये आपके पास पड़ा है तो इसको तब यूज़ कर लेना इसको एज अ डैश कैम। तो देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और डैश कैम जरूर रखो भाई, कारों में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है कितना ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, और फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और रिकमेंडेड करता हूँ आप ये रखिए या वो रखिए, पर डैश कैम जरूर रखिए।